ये अगर इसका मेजर है तो ये इसका माइनर है, और इस माइनर को ध्यान से देखिए, वाई वाले पर है, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये तो बात हो गई इसकी। इस वाले में आइए, इस वाले में मेजर ये वाला है और ये वाई पर है, तो वाई का इक्वेशन क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष का समीकरण सेकंड वाले में एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, और लघु अक्ष का समीकरण सेकंड वाले का वाई इज इक्वल टू जीरो होता है। ये जो है ए से ए डैश, ये इसका माइनर एक्सिस है, लघु अक्ष है, तो इसका समीकरण वाई इज इक्वल टू जीरो। फिर आते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में, नियताओं का समीकरण। नियताओं का समीकरण कितने डायरेक्ट्रिक्स हैं? दो हैं दोनों में। तो बात हम कर रहे हैं फर्स्ट वाले की, यानी इसकी। तो इसमें जो दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, दो नियताएं हैं, वो हैं, पहला वाला है एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई, ये वाला जो लाइन है ना, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है, नियता है, और इसी का इक्वेशन, इसका इक्वेशन समीकरण एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई है। तो समझिए, अब इसका अगर इक्वेशन बोला जाए तो इसका इक्वेशन होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई है, ये फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में अगर आएंगे तो इक्वेशन हो जाएगा वाई इज इक्वल टू बी अपॉन ई। ये जो है इसका डायरेक्ट्रिक्स है, और इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू बी अपॉन ई, ये वाला भी जो है इसका डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसका इक्वेशन होगा वाई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई है, ये आपको याद रखना है। फिर आइए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई, वो फर्स्ट वाले में होता है टू बी स्क्वायर अपॉन ए, टू बी स्क्वायर अपॉन ए, और सेकंड वाले में होता है टू ए स्क्वायर अपॉन बी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, एक टॉपिक और इसमें छूटा हुआ है, वो है इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। आप लोग जब इस चार्ट को अपनी कॉपी में बनाएंगे तो इसके नीचे एक और जोड़िएगा इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। अब आइए एक सिंपल सा फॉर्मूला समझा देता हूं, वो फॉर्मूला दोनों के दोनों इलिप्स पे काम करता है। उत्केंद्रता को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसेंट्रिसिटी को ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर वन माइनस माइनर एक्सिस अपॉन मेजर एक्सिस और इसका होल स्क्वायर। इज इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस माइनर एक्सिस अपॉन मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये माइनर एक्सिस मतलब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और ये मेजर एक्सिस का मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है। उत्केंद्रता का सूत्र दोनों के लिए एक ही होता है, क्या? रूट अंडर वन माइनस ब्रैकेट में न्यूमरेटर में लिखा हुआ है लघु अक्ष की लंबाई, और डिनोमिनेटर में लिखा है दीर्घ अक्ष की लंबाई, और इसका होल स्क्वायर। अब फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a है,
और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b है। जब फॉर्मूला बनाएंगे तो e इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ पर ये 2b अपॉन 2a और इसका होल स्क्वायर आएगा। 2b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इसमें ये 2 और 2 तो पहले ही कट जाएगा, ये 2 और ये 2 जब कट गया तो e का फॉर्मूला बन गया रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इसेंट्रिसिटी इसके लिए है। और इसके लिए हमेशा फॉर्मूला ये याद रखिएगा, माइनर एक्सिस अपॉन मेजर एक्सिस आपको लिखना है। हम बात कर रहे हैं इस सेकंड वाले की, तो सेकंड वाला ये है। सेकंड वाले में मेजर एक्सिस जो है वो हमारा 2b है और माइनर एक्सिस 2a है, तब फॉर्मूला कैसे होगा, तो e इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस ब्रैकेट में 2a अपॉन 2b और इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 और 2 कट जाएगा, तब e इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये इसेंट्रिसिटी इसके लिए होता है। तो यहाँ पर आप एक बार नीचे में एक टेबल और बनाना है, यहाँ पर आपको लिखना है इसेंट्रिसिटी, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे उत्केंद्रता, और यहाँ पर इस वाले के अंदर यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर आपको लिखना है e इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। e इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये फर्स्ट वाले में रहेगा, और सेकंड वाले में रखना है e इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है, इतना चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक।